प्रतिदिन ध्यान करे जो मेरा मन करके एकाग्र चित उसकी बाधा दूर करूं ये तथ्य समझ लो सुनिश्चित भक्त पढ़ेंगे मधुकई जब और महिषासुर के वध की कथा शुंभ निशुंभ संहार प्रसंग देंगे प्रेरणा उन्हें सदा अष्टमी नवमी चतुर्दशी है विशेष जानो महत्व महात्म्य का एकाग्र चित श्रवण पीड़ा नाशक तत्व पाप मुक्त हो भक्त सभी जो हंस के सहे आपत्ति गृह कलह दारिद्र बिछोह छू न सके विपत्ति भय न रहेगा राजा से शत्रु ना किसी शस्त्र से अग्नि से न लुटेरों से न अनीति के किसी अस्त्र से सो सब ही ये महात्म सुने हैं परम सुखदायक भक्ति पूर्वक श्रवण करे सब परम कल्याणकारक मेरा महात्म्य करे नष्ट हो उपद्रव या हो महामारी उत्पातों का शमन करे ये है कल्याणकारी मंदिर हो या और कहीं हो जहाँ महात्म्य का प्रावधान ऐसी जगहों पे मैं रहूं प्रत्यक्ष रूप में सन्निधान होम हवन हो पूजा पाठ कार्य कोई जो हो पवित्र हर अवसर पर श्रवण करो मन से मेरा ये चरित्र विधि अनुसार न जाने यदि जो कोई पूजाएं विभिन्न भक्ति भाव से ही हो पठन तब भी हो जाऊंगी प्रसन्न शरद काल की महापूजा में जो चरित्र मेरा करे श्रवण मुक्त हो जाए बाधाओं से कर पूजा का प्रसाद ग्रहण वाहन पुत्र व धन धान्य से होगा वो व्यक्ति संपन्न निसंदेह जीवन में वो सदा रहेगा अति प्रसन्न मेरे प्रादुर्भाव की कथा देती सब भक्तों को अभय मेरे पराक्रमों का स्मरण मन को करता है निर्भय इस महात्म्य के श्रवण से भक्तों वंश के शत्रु होते नष्ट समस्त कुल आनंदित होता कट जाते हैं सबके कष्ट जब अशांति पर लक्षित होती ग्रह के दुख हो भयंकर तब चरित्र के पठन से मेरे लाभ होता निरंतर असह्य वेदना शांत हो ग्रह दोष का होता निवारण दुख स्वप्न उत्सव बन जाए मेरे नाम के कारण बाल गृहों का कोप हरे ये बालक होते हैं सुदृढ़ मन जह जुड़ते संगठन में भूल जाए आपसी युद्ध दुराचारियों के बल को ये पाठ करे समाप्त भूत पिशाच से मुक्ति मिलती स्मरण मेरा पर्याप्त मेरे महात्म्य के पठन पाठ में रहता मेरा वास करो न चाहे धूप दीप और अर्घ्य गंधूप वास उत्तम अभिषेक सामग्री भोज भोग का नित्य वचन उनकी तुलना में कहीं श्रेष्ठ है श्रद्धा से ही चरित्र पठन भक्ति भाव से एक बार भी करे जो पाठ श्रवण मिले अखंड आरोग्य उसे हो जाए पाप हरण भूतों से रक्षा करे
मात्र मेरा ही प्रादुर्भाव। युद्ध चरित्र का दुष्टों पर पड़े विपरीत प्रभाव, विरोधियों और शत्रुओं की क्षीण हो जाए शक्ति। देवता हो या मनुष्य सुखी हो जो करे मेरी भक्ति, देवताओं देवर्षियों तुमने जो की है मेरी स्तुति। सदा समाप्त होगी तुम्हारी समस्त विषम परिस्थिति। चाहे कोई निर्जन स्थान हो या लुटेरों का आए दल, कुछ न बिगाड़ सके ये कोई, चाहे वो हो घना जंगल। चाहे क्रोधित राजा देश हो बंधक बना के वध का दाम, चाहे चक्रवात में फंस कर डगमगाए जो तुम्हारी नाम। कितनी ही भयानक पीड़ा हो या शस्त्राघात, चाहे विश्व की बाधाएं एक साथ करे आघात, मेरे चरित्र का सुमिरन ही दूर करे हर बाधा। मनुष्य संकट मुक्त रहे टल जाए उसकी विपदा, हिंसक प्राणी जीव भागे मेरे ही प्रभाव के कारण। शत्रु से दूर रहे जो करे महात्म का पारायण, देवी ने इतना विधान कर देवों को दिया अभयदान। हुई महामाया आद्या उसी एक क्षण अंतर ध्यान। अब निर्भय था देवलोक और यज्ञ भाग प्रारंभ हुआ। पूर्ववत अधिकार भोग फिर देवों ने आरंभ किया। महापराक्रम से देवी के हुआ त्रिलोक अचंभित, धन्य धन्य सब कहें उसे था वातावरण आनंदित। शुभ हुए सब दैत्य गण चले गए फिर से पाताल, स्मरण मात्र से धर्राते देवी का रूप विकराल। अंबिका देवी सदा सत्य है अस्तित्व सदा रहेगा सत्य, फिर भी प्रकट होती रहती इस जग के लिए ही देवी नित्य। जग की जन्मदात्री है वो करती सबको वही मोहित, संतुष्टि समृद्धि ज्ञान विज्ञान शास्त्र है उनमें समाहित। जब भी होती महाप्रलय वो बनती है महामारी, व्याप्त जगत में महाकाली है विश्व की उत्तम अधिकारी। देवी सदा अजन्मा है पर सृष्टि रूप में होती प्रकट, सनातनी तारती भूत औ भविष्य के सारे संकट। मनुष्य के अभ्युदय की लक्ष्मी बनती है वही देवी, दुख दरिद्रता और विनाश का कारण भी है वे ही। पुष्प गंधादि धूप से देवी का जो ध्यान धरे, देवी उसे धन पुत्रादि उत्तम गति प्रदान करे।